अभी मैं सोच रही हूँ कि दोपहर लंच में क्या बनाऊँ। ये मान्या बताएगी, इसको नहीं पता। चलिए देखते हैं, गार्डन में कुछ लेके आते हैं बनाने के लिए। क्या बनाना है? नहीं कोई सब्जी? क्या नहीं नहीं मैं नहीं ला रही। मन नमन इन्ना तक पुत्र कर लो। बढ़ोगे नहीं, तो बढ़ोगे बढ़ोगे कैसे? ये कैसे? देखिए धूप का आनंद लेते हुए, और इधर देखिए जरा नमन, ये जा रही है मान्या। नया हेयर कट लिया मान्या ने, देखो अभी तो बाल बढ़ गए हैं। तो हम लोग इधर एंट्री ले लेते हैं गार्डन में। देखिए बड़े पत्ते वाला जो साग होता है ना, कितना बड़ा बड़ा हो रखा है। ये देखो, ये देखो हमारी सरसों जो है ना, साग तो खाया नहीं इसका, और ये फूल फूल गए हैं इसके। देखो सारा का सारा, तो समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाओ। यहाँ देखो मुझे ये दिख गया, ये बथुआ है, ये जो बथुआ है ना, आ गया स्वाद? कान से निकल गया ये मेरा हेडफोन। कान ही बहुत छोटे हैं मेरे, अब ठीक लगा। ये जो बथुआ है ना, इसकी भुर्जी बहुत अच्छी बनती है, रायता बहुत अच्छा बनता है। बट आज हम इसमें आलू में डाल करके ना इसकी भुजिया बनाएंगे। ये देखो हमारा धनिया, थोड़ा सा इसको भी तोड़ लेती हूँ। इतना सा धनिया। बट ये जो बथुआ है ना, ये मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ कहाँ लगा है। इधर भी है, ये देखो, ये बहुत अच्छा होता है पता है। और इसकी खेती नहीं की जाती है, ये अपने से ही निकल जाता है। यहाँ देखो ये पत्ता है इसका, ये साग का पत्ता है, देखो कितना बड़ा है ये। बीच में ये डाल लूंगी थोड़ा सा। यहाँ देखो बैंगन भी खूब लगे हैं, टीजर भी लगे हैं, ये सारे बैंगन लगे हुए हैं। देखो तो एक्चुअली मैंने उस साइड में देखा था बथुआ, इसमें डालते हैं। ये देखो ध्यान से इसको थोड़ा नजदीक से दिखा, इसको नहीं लगाया है, ये ऐसे ही निकला है। ये मंडी में भी बिक्री होता है और काफी कॉस्टली मिलता है ये। और हमारे गार्डन में ये ऐसे ही किचन गार्डन में हो रखा है, साग में भी इसको डाला जाता है। तो ठीक है, मैं इसको तोड़ के फिर हम इसको कैसे बनाते हैं वो भी बताती हूँ, तोड़ करके बात करती। और इसी में मैं डालूंगी ये लहसुन की जो पत्तियां है, ये लहसुन है देखो सारा, दिखाओ मैंने। और ये पत्तियां ना दाल में जब डालते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बनती है। इसको शायद तारामीरा बोलते हैं, ये इसकी फलियों की भी सब्जी बनती है। ये इधर सारा लगा हुआ है, ये देखो सांगरी भी बोलना जाता है इसको, सांगरी। ये
देखो अभी तोलिया है, और अब ये देखो ये है चने का साग ना। अब मैं इसको भी तोड़ लूंगी थोड़ा थोड़ा और इसी में ही ऐड करूंगी। बहुत अच्छी आलू डाल के ना इसकी बहुत अच्छी आज ना भुजिया बनने वाली है मस्त। और इसके साथ हम क्या बनाएंगे पता, बाजरे की रोटी या फिर चावल के आटे की रोटी खाएगी मन्ने। देखो ये सारा तोड़ लिया मैंने, अभी इसको धुलाई करके काट लेंगे और अभी पी लेते हैं पानी, काम करके थक गए हैं। चलिए बाकी का काम कर लेते हैं, ले लेना यार पानी दिलवा दो कहीं से, लेके आ रही हूँ बोतल। ये ले भी जाओ फिर बोतल। सारी सब्जियों को काट लिया था, आलू काट लिए और माइक्रोवेव में इनको 7-7 मिनट मैंने स्टीम किया। तो इसके बाद अभी हम लगाने जा रहे हैं तड़का। थोड़ा सा हमने लिया है रिफाइंड ऑयल 2 कड़छी के आसपास, और इसमें ऐड करेंगे मेथी दाना और साथ में ऐड करेंगे 2 सूखी मिर्ची, और उसी के साथ हम ऐड करेंगे सरसों दाना। तो मिर्ची अभी हमारी हो गई है ब्लैक, और अभी हम इसमें डाल देंगे लहसुन, अदरक। लहसुन थोड़ी सी उसकी मात्रा हमने ज़्यादा लेनी है, अदरक ले लिया है, हरी मिर्ची डालेंगे इसमें और प्याज। जैसे ये मसाला भुन जाए तो इसमें फिर ऐड करेंगे हम थोड़ी सी हल्दी, और ये देखिए स्टीम होकर के ऐसा लग रहा है ये, और हल्दी डाल दिया है। ये देखो पूरे अच्छे से बॉईल नहीं करना है आलू को, हाफ होना चाहिए। थोड़ा सा नमक डाल दिया अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। 2 मिनट इसको पकने देंगे, फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो हमारा बथुए का साग है उसको अच्छे से मिक्स कर ले। थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं साग जो हमने स्टीम किया है। देखिए इसको डाल देना है, और कम से कम इसको हमने आधे घंटे तक और पकाना है मीडियम आंच के ऊपर। इसमें जो थोड़ा सा पानी अभी आप देख रहे हैं ना गीला गीला है, ये एकदम से ड्राई हो जाना चाहिए। तो बस अभी हमने इसको पकाना है, तो ठीक है जब ये पक जाता है फिर मैं इसके बाद आपको दिखाती हूँ। पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ जो मसाले हैं ये साग में भी आ जाए और उसमें भी। तो चलिए अब इसको ढक करके पकाएंगे। आधे घंटे के बाद हमारी जो बथुआ की भुजिया है वो बनके तैयार है। देखिए इस तरीके से बहुत टेस्टी बनी है, इसका खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है। चलिए अभी इसको टेस्ट कर लेती हूँ। बहुत मज़ेदार बनी है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।